गुरदासपुर के सरकारी मिडल स्कूल की अध्यापका का शर्मनाक कारा 500 रुपए गुम होने के कारण विद्यार्थियों के कपड़े उतरवा के की तलाशी। सजावां भुगत चुके सिखां दी रिहाई दी मंग ते अज पंजाब बंद दे सद्दे नूं मिलिया रलिया मिलिया हुंगारा। सफल बनाउण दे लई सड़कां ते उतरे खालसा समर्थक। दिल्ली दे रामलीला मैदान विच भाजपा दी अभिनंदन रैली, प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दौरान विरोधियों ते साध्या निशाना। अते जलंधर पुलिस दी माड़े अंसरां दे खिलाफ वड्डी सफलता, 60 घंटियां दे विच सुलझाई लुटको दी वारदात, 3 लुटेरे काबू। जी तुसीं वेख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी, मैं हां सुखविंदर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां पंजाब की खबर दे नाल, जिथे महज 500 रुपए गुम होने के कारण एक औरत अध्यापक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। मामला गुरदासपुर के पिंड मंडियाला के सरकारी मिडल स्कूल का है, जिथे एक औरत अध्यापक हरजीत कौर ने 500 रुपए गुम होने के कारण विद्यार्थियों के कपड़े उतरवा के तलाशी ली। पीड़ित लड़कियां 7वीं जमात दी विद्यार्थियों ने इन्हों का कहना है कि हरजीत कौर ने पहला तो इन्हों के बैग की तलाशी ली और फिर कपड़े उतरवा के शर्मसार किया। जदों पैसे ना मिले तो अध्यापका हरजीत कौर ने 50-50 रुपए घरों लिआउण दा फुरमान सुनाया। उधर गुस्से च भड़के विद्यार्थन लड़कियां दे परिवार दे वल्लों मामले की इतलाह पुलिस नूं दे दित्ती गई है और पुलिस ने हरजीत कौर के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हां दे पैसे गवाचे सी, उन्हां ने साडे कपड़े भी लवाए, तां सारी तलाशी कीती, सजना बुरा व्यवहार कीता, उन्हां ने साडे बैग भी फोले, बूट भी लवाए, ते पैसे नहीं लभे। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-50 ਰੁਪਏ। 500 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ SSP ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹੈ, कपड़े लहा के तलाशी लैण दी कोशिश कीती है। वो मसला थाने आया सी, उस एप्लीकेशन दे परचा दर्ज कर दिता, ते हुण दौराने तफ्तीश जो भी सामने आएगा। तो गल कर लैने अगली खबर की, कैद भुगत चुके बंदी सिखां दी रिहाई दे मसले ते अज पंजाब भर दे विच बंद दा सद्दा दित्ता गया सी, जिस दे चलदे अमृतसर दे विच बंद दे सद्दे दौरान वड्डी तादाद दे विच पुलिस फोर्स तैनात की गई। सड़कां दे उतरे दमदमी ट्रक अजनाला दे मुखी अमरीक सिंह नूं साथियों दे समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीती 14 नवंबर तो भाई गुरबख्श सिंह खालसा अंबाला विखे बंदी सिखां दी रिहाई दी मंग नूं लैके भुख हड़ताल कर रहे ने, जिस दे संबंध विच अज पूरे पंजाब दे विच बंद दा सद्दा दित्ता गया सी, जिसका असर सूबे भर वेखन मिलिया। बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके असीं शांतमई रोस मार्च कर रहे हैं। प्रशासन धक्काशाही करके सिख नौजवानां नूं अरैसट कर रहा है। ये बिल्कुल धक्का बर्दाश्त नहीं करांगे, इस तरह नहीं करना चाहिए। शांतमई जे असी शांतमई तो प्रशासन भी शांतमई, सरकार भी रखनी चाहिए है। तो पंजाब की सिखा की जे अणख ते गैरत ज्यौंदी है ते जागदी है, तो जेलां च बंद नज़र सिखा लई पूरे पंजाब भर दे विच नहीं दुनिया च वसदे कोने कोने दे विचों नज़रबंद सिखा दे हक दे विच जोरदार आवाज़ बुलंद करन और चढ़दी कला दे नाल सिख कौम दे जुझारू सिंघां नूं समर्थन दिता जावे। ते बंद दे इस सद्दे दा हुंगारा पूरे पंजाब दे विच रलवां मिलवां वेखण नूं मिलिया। सूबे भर दे वख-वख शहरां कस्बियां दे विच बंद दे दौरान दुकानां बंद सन अते खालसा समर्थक बंद नूं सफल बनाउण दे लई गलियां बाजारां दे विच उतरे। पंजाब पुलिस वल्लों भी बंद दे दौरान किसे भी तरां दी अनसुखावी घटना दे नाल निबड़न दे लई पुख्ता प्रबंध कीते गए सन। इह तस्वीरां पंजाब दे वख-वख शहरां दीआं असीं तुहानूं विखा रहे हां, जिथे भाई गुरबख्श सिंह खालसा दे हक दे विच अते बंदी सिखां दी रिहाई दी मंग ते सिख जथेबंदियां रोस दे विच नजर आईआं। जी उधर भाई गुरबख्श सिंह खालसा की सेहत चिंताजनक बनती जा रही है। खालसा की भुख हड़ताल का अज 58वां दिन है। भाई गुरबख्श सिंह खालसा की सेहत खराब होंदी वेखदिया अज डाक्टरां दे वल्लों उन्हां नूं ऑक्सीजन लगा दी गई है। डाक्टरां दे मुताबिक खालसा नूं साह लैण दे विच दिक्कत आ रही है ते इनफेक्शन दे डर तों उन्हां नूं ऑक्सीजन दित्ती जा रही है।
बंदी सिखां दी रिहाई दे लई पिछले कई दिनों तो भुख हड़ताल ते बैठे भाई गुरबख्श सिंह खालसा दा संघर्ष लगातार जारी है, जिस दे चलदिआं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान मनजीत सिंह जी के अपने वफद दे समेत कल खालसा नूं मिलण पहुंचे सन। उन्हां दे नाल सीनियर अकाली नेता ते मैंबर अवतार सिंह हित, ओंकार सिंह थापर, दर्शन सिंह अते परमजीत सिंह राणा चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी भी मौजूद सन। पत्रकारां ने नाल गल्लबात करदिआं दिल्ली कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जी के ने खालसा दे समर्थन दा ऐलान करदिआं कहा कि दिल्ली कमेटी सिखां दी रिहाई दे मसले ते 12 जनवरी नूं प्रधानमंत्री दे नाल मुलाकात करन जा रही है। जदों अकाल तख्त साहब दा हुकम हो जावे उदों कोई भी उस तों पिछे नहीं रह सकदा। भाई साहब दे संघर्ष दे विच इस वेले सारी समुची कौम उहनां दे मगर खड़ी है, किसे नाल उहनां दा इतफाक भी है ते उह भी उहनां दे वास्ते जोर मार रहे ने। अफसोस यह है कि साढ़े ते इल्जाम लग रहा कि असीं अतवादियों नूं छुड़ा रहे हैं। ये वो सिंह ने जिन्हां सिंघां ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अपनी सज़ा भुगतन तो बाद दुगुनी सज़ा वो जेल दे विच भुगत चुके ने। ये कानून ह्यूमन राइट्स मंग करती है कि उन्हां नूं ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड दे उत्ते छड्या जावे। सोमवार को असीं सारी दिल्ली कमेटी के इलैक्टेड मैंबर प्रधानमंत्री तो समा मंगया, हल तक समा मिलिया जी ना भी मिलिया तो असीं अपनी मंग पत्र जिहड़ा उन्हां दे दफ्तर दे के आवांगे। और मैं समझदा वां कि अगर एक कौम नूं जे ठंड पानी है किसी ने तो इंसाफ होना बड़ा लाजमी है। हुण असीं कहिंदे वी कोई पार्टी भी किसी तरह की धड़ेबंदी ना करे, इत्थे कोई बंदे इत्थे बाकी राजनीति करदे आ, कई पार्टियां जकारे बनाउण वाली होंदियां, जकारे बुलाई जाओ, गल जकारा नाल नहीं मुकनी, तिन्नां लड़ाई घर दी ना मुकनी है। ये गल तद मुकनी है जे सारे इकट्ठे होकर इस माहौल दे कित खड़े होवांगे और लड़ाई नूं लड़िया जाऊगा। इस गल ते इक बंदे ने अपने निजी स्वार्थ वास्ते नहीं बल्कि कौम की खातर भुखड़ता रखी है। इतने दूजे तो दूसरे लाने ना जाओ, उसके लाने कोई फायदा नहीं, कोई गल नहीं बनती। जब पंजाब सरकार माड़ा कही जाए, कोई हरियाणा सरकार माड़ा कही जाए, बिल्कुल ही बड़ा कम है। इस करके जिदा हम दिल्ली कमेटी जो कुछ कर रही है, ये कोई दो राय नहीं, दिल्ली गुरदा कमेटी जो बाद कहते उ कर रही है, असं कर रहे हैं। लेकिन जिदा असं कर रहे हैं सोमवार को लग जा रहे हैं, उत्तर हरियाणा सिखा भी जाना चाहिए, यदा पंजाब के सिखा भी जाना चाहिए, सारे लामबद्ध होकर सारा काम करना चाहिए। ये तान गल मुकनी है। असं जी उन्होंने मंगा रखिया ने कि जो पंजाब बंद ने साडे कोल जी डिटेल सी पंजाब का कोई भी कैदी नहीं आ रहा, सब दूजिया स्टेटा पर आ रहे हैं, पर इन्होंने सानू अज एक होर डिटेल दी जो दो तीन आ दी। असं कल बादल साहब ने मिल के जे वो पंजाब कैटर के आते हैं पंजाब के आते हैं, असं उन्होंने छुड़ा दी पूरी। उन्होंने जो क्या बीजेपी ने की कहना, राजनाथ सिंह जी जो होम मिनिस्टर ने, उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को कहा कि आई विल लुक इन टू इट, असं देखा जो कुछ इन्होंने कर सकते हैं असं करा।